दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम दो तरीके से पैंट की लटक निकालना सीखेंगे और आप इस फार्मूले से कोई भी साइज कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कपड़े को बिछा दिया है इस तरीके से डबल फोल्ड करके, ठीक है। लंबाई है ऐसे में और चौड़ाई है ऐसे में, यानी तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर एक निशान इस तरीके से, इस प्रकार, ठीक है। दोस्तों आपको एक बार बता देता हूँ नाप। दोस्तों इसकी लंबाई है 34 इंच, कमर है 29 इंच, हिप है 33.5 इंच, थाई है 21 इंच, बॉटम है यानी कि मोरी 11 इंच। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ऊपर 1 इंच निकालना है इस तरीके से, और हमने यहाँ पर निशान लगा देना है 34 इंच पे इस प्रकार, और 2.5 इंच लेना है तुरपाई के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर लटक की। तो दोस्तों लटक निकालेंगे हम यहाँ पर हिप के अकॉर्डिंग या लंबाई के अकॉर्डिंग। वैसे सबसे बेहतर तरीका होता है वो हिप के अकॉर्डिंग सही होता है, क्योंकि हिप के हिसाब से ही लटक बेहतरीन निकलती है। तो हम यहाँ पर देखो अगर लंबाई के हिसाब से निकालेंगे तो आ रही कितनी, 8 × 32 = 33 × 34, यानी कि 8.5 इंच, ठीक है। अगर हम निकालते हैं इसकी हिप के अकॉर्डिंग, यानी कि हिप के हिसाब से निकालना है, तो हिप है इसकी 33.5 इंच, तो 8 × 32 = 33 × 33, यानी कि एक सूत का फर्क आ रहा है, ठीक है। आपका फर्क आ सकता है जैसे कि मान लो आपकी ये लंबाई है 35 इंच और कमर है 34 इंच, तो आपका 2 सूत का फर्क आएगा, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर आपका फर्क ऐसे है जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लंबाई है 40 इंच या 38 इंच और हिप है आपके क्या नाम है 35 इंच, ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, कभी भी लंबाई के अकॉर्डिंग नहीं निकालेंगे वरना लटक काफी बढ़ जाएगी। आपको हमेशा हिप का 4 भाग करके 1/4 पे निशान लगा देना है, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया 33.5 का 4 भाग 8.5 इंच पे लगा दिया, एक सूत बढ़ा के, ठीक है। आप चाहें तो 1 सूत कम करके भी बिल्कुल फिक्स इसका 1/4 करके 1/4 भाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लगा देंगे निशान इस तरीके से, इस प्रकार। उसके बाद लगाएंगे दोस्तों हम लंबाई का एक निशान, दोस्तों इसकी जो कमर है वो है 29 इंच, ठीक है। अब 29 इंच है, अब हमें रखना है यहां पर पॉकेट की लेंथ। दोस्तों पॉकेट की लेंथ रखेंगे हम 7.5 इंच, ठीक है, और यहां पर इस प्रकार एक निशान और लगा लेंगे सीधा करके बिल्कुल ये वाला, ठीक है। ये निशान सीधा लगाने के बाद में यहाँ पर हल्का सा हम करीब 3 – 3.5 इंच अपनी स्केल को इस निशान से ऊपर निकाल देंगे, बाकी का जो शेप आएगा उस पर निशान लगा देंगे, ठीक है। अब जो हमारा ये शेप वाला निशान है ये वाला, यहां से हमें नापना है 2.5 इंच, यानी पॉकेट का फैलाव देना है, ठीक है। और जो ये वाला निशान है लेंथ वाला, इसकी पॉकेट, इस निशान को हम पूरा करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम थाई की। थाई है दोस्तों इसकी 21 इंच, ठीक है। अब 21 का हम कैसे करेंगे, अब बहुत से लोगों से हाफ करना नहीं आता, 4 भाग करना नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं कि 21 इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। इस वाले निशान पे 21 हमने रख लिया और इसको इस तरीके से डबल कर लिया, ठीक है, और यहां निशान लगा लिया। और उसके बाद हम यहां पर 1.5 इंच और ले लेंगे नॉर्मल साइज में, अगर हैवी साइज है तो आप 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे, कैसे, जैसे मैंने लगाया 1.5 इंच पे, अगर हैवी साइज है तो आप यहाँ 1.25 इंच पे लगाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दो कमर है 29 इंच, यहां से लेंगे सिलाई मार्जिन, इसका कर लेंगे 4 भाग और 1/4 का सामने का निशान लगा देंगे, तो ये हो गया 7 × 28 = 29, यानी कि 7 इंच 2 सूत पे आप इस तरीके से निशान लगाएंगे कमर का 4 भाग करके, 1/2 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन और इसको बिल्कुल सीधा करके निशान लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद में यहां दे देंगे गोलाई, निशान लगाएंगे 2.25 इंच पे, ठीक है, अगर हैवी साइज है तो आप 2.5 इंच पे लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ अपने सामने को जो डाउन करेंगे वो करेंगे हम 1/2 इंच और आप इस स्केल से निशान लगा देंगे, ठीक है। आप चाहें तो सीधी स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ये बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर है ये 21 इंच, ठीक है, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 21 इंच पे ही निशान लगा देंगे, जो हमने ऊपर लगाया था ना सेम तरीके से नीचे लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार। अब 21 का हाफ करेंगे कितना, 21 का हाफ करा हमने 10.5, अब 10.5 का हाफ करेंगे 5.25। अब दोस्तों यहां पर जो बॉटम है वो है 11 इंच, ठीक है, कितना है 11 इंच। अब दोस्तों यहां 11 का करेंगे हम 4 भाग, तो दोस्तों यहां पर होता है ये 2.75 इंच, ठीक है, और यहां लगाएंगे 5.5 इंच पे, आप इस तरीके से डबल करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आई इस स्केल की बारी, तो दोस्तों यहाँ पर लेंगे हम ये शेप फंटी और इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, और इसको इस प्रकार निशान लगा देंगे
इस तरीके से, यहां पर करेंगे हल्का सा क्रास और इस जगह करेंगे हल्का सा क्रास, ठीक है, इस प्रकार। यानी कि आपको यहां तो सीधा निशान लगाना है, यहां पर बॉटम पर करना है खाली क्रास इतने बीच में, ठीक है, इतने बीच में। तो दोस्तों यहां पर देखिए हमारे निशान लग चुके हैं। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको कटिंग कर लेंगे। और ने इससे आगे अगर आपको कोई वीडियो देखना है पूरी कटिंग की, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।